हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग रशियन साची क्रिएशंस। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन सीरीज का सबसे पहला दिन है। इस वीडियो में हम हमारा सोलर सिस्टम देखेंगे। ऐसे तो इस यूनिवर्स में अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स हैं। इनमें से कुछ छोटे और कुछ तो बहुत ही बड़े हैं। ज्यादातर सोलर सिस्टम में एक सन होता है, लेकिन किसी किसी में दो या तीन सन भी होते हैं। इन आवर सोलर सिस्टम वी हैव 8 planets, 5 dwarf planet and 1 sun. The 8 planets are Mercury yani Budh, Venus yani Shukra, Earth yani Prithvi, Mars yani Mangal, Jupiter yani Brihaspati, Saturn yani Shani, Uranus yani Arun aur Neptune yani Varun. And the 5 dwarf planets are Ceres, Aries, Haumea, मैकी मैकी और प्लूटो। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, गैसेस और रॉक्स भी हैं। ये सारे एस्ट्रॉइड्स साथ मिलकर एक बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में है। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, वैसे ही अरबों और भी सोलर सिस्टम है जो मिलकर एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और ऐसी अरबों गैलेक्सीज है जो मिलकर एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती है। सोचिए, हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे से कण हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स तो मानो जैसे कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। फिर भी न जाने क्यों हम इतनी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। अब तो ऐसा माना जा रहा है कि यूनिवर्स भी एक नहीं, बहुत सारे हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। पर ये सब तो सिर्फ एक थ्योरी है, कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। ये यूनिवर्स कहाँ जाकर खत्म होता है, खत्म होता भी है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।